बिलासपुर जिले के घुमारवी हल्के की मेहरी कातला पंचायत का एक चौकिंग बड़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें लूणू छपरो गांव के लोग सड़क की कमी के चलते बरसाती नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 25 सालों से सड़क की मांग पूरी न होने और ग्रामीणों को सड़क सुविधा से महरूम होने का नतीजा ये रहा कि गाँव में किसी के भी बीमार होने पर ग्रामीण उसे चारपाई पर लेटाकर अपने कंधों के सहारे घर पार करते हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवी हल्के की मेहरी कातला पंचायत का एक जोखिम भरा वीडियो सामने आया है, जिसमें लूणू छपरो गांव के लोग सड़क की कमी के चलते बरसाती नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 25 सालों से सड़क की मांग पूरी न होने और ग्रामीणों को सड़क सुविधा से महरूम होने का नतीजा ये रहा कि गांव में किसी के भी बीमार होने पर ग्रामीण उसे मंजे पर लिटाकर अपने कंधों के सहारे खड्ड पार करते हैं। यही नहीं, पिछले दो दिनों से प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां ये खड्ड बरसाती नाले से भर गया है, तो वहीं अब ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर खड्ड पार करनी पड़ रही है। वहीं इस समस्या के संबंध में जब बिलासपुर के कार्यकारी उपायुक्त विनय धीमान से पूछा गया, तो उन्होंने सड़क सुविधा से महरूम गाँव में जल्द ही एम्बुलेंस सड़क सुविधा शुरू करने की बात कही। हिमाचल सरकार का ये ध्येय है कि जो एम्बुलेंस रोड्स हैं वो हर गांव तक पहुंचे। तो अगर इस तरह की कोई बात जैसे आपने बताई, मैं जो स्थानीय प्रशासन है वहां का, खासकर बीडीओ को जो है वो अभी डायरेक्ट कर दूंगा कि वहां पे जो मनरेगा और 14वें वित्त आयोग में कोई प्रावधान करके वहां पे एम्बुलेंस रोड का जो है प्रावधान कर दिया जाए।